नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। नानी बाई की मायरा उत्सव के लिए दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार है एलएन स्टेडियम। लोहरदगा वासियों को प्राप्त होगा विश्वविख्यात जया किशोरी जी के अत्याधुनिक सानिध्य का परम सौभाग्य। मनुष्य को जीवन में दान, संयम और सत्संग का लाभ लेना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं दिव्या रानी और आप देख रहे हैं जीएन भारत। लोहरदगा की पावन नगरी नानी बाई की मायरा उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। 15 से 17 दिसंबर तक चलने वाली इस भक्तिमय आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए ललित नारायण स्टेडियम दुल्हन की तरह सज धज कर तैयार हो गया है। लोहरदगा वासी पूज्य जया किशोरी की स्वागत के लिए पलके बिछाए बैठे हैं। 350 से अधिक कथाएं कर चुकी विश्वविख्यात जया किशोरी जी के अध्यात्मिक सानिध्य परम सौभाग्य लोहरदगा वासी को प्राप्त होगा। इस कथा में मायरो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं दिया गया था। इस संदर्भ में राज्यसभा सांसद आयोजन समिति के संरक्षक धीरज प्रसाद साहू ने बताया कि नानी बाई की मायरा कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजन समिति के सदस्य लगातार कार्य कर रहे हैं। कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर कार्यक्रम स्थल की व्यवस्था पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने बतलाया कि मनुष्य को जीवन में दान, संयम और सत्संग का लाभ लेना चाहिए। सत्संग से मनुष्य को अनेक लाभ होता है। इससे मनुष्य का ज्ञान निरंतर बढ़ता जाता है। कथावाचक पूज्य जया किशोरी के अमृतवाणी का श्रवण का अवसर हमें प्राप्त होने वाला है। परिप्रेक्ष्य में जया किशोरी जी प्रसिद्ध कथावाचक हैं। उनकी अमृत वाणी पूरे देश विदेश में फैल रही है और ये लोहरदगा का सौभाग्य है कि झारखंड में पारिवा लोहरदगा में उनका अमृत वाणी हम लोग सुनने के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। आगामी 15 तारीख से लेकर 17 तारीख तक 3 दिन का इनका यहाँ पर कार्यक्रम होगा। इनकी वाणी से पूरा विश्व ऐसे काफ़ी प्रभावित है। कम उम्र में इन्होंने इस मार्ग को अपनाया था और ये समाज के लिए बहुत अच्छा, ये प्रेरणादायक इनकी जो वाणी होती है वो निकलती है। हमें इनकी बातों का अनुसरण करके अपने लाइफ में उतारना चाहिए। लोहरदगा की जनता से अपील है कि अधिक से अधिक लोग उपस्थित रहकर अमृत वाणी का लाभ लें। नानी बाई की मायरा कार्यक्रम में सुविधा के लिए कार्यक्रम स्थल के निकट पार्किंग की सुविधा की गई है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें जीएन भारत के साथ। धन्यवाद।